नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद तजम्मुल अली ख़ान ने एक बार फिर इंसानियत और ख़िदमत खल्क के जज्बे की बेहतरीन मिसाल पेश की है। वाक़िया यह है कि जुमा बरोज़े जुमा 11 जून 6 बजे शाम मोहम्मद तजम्मुल अली ख़ान और इनके साथी SYS चैनल के सरपरस्त जनाब इस्माइल शाह ने शहर हैदराबाद में जायज़ा लेने के लिए निकला। जब ये लोग मेहदीपट्टनम चौरास्ता पहुँचे तो वहाँ पर एक खातून और एक शख्स को पुलिस की जानिब से तफ्तीश करते हुए देखा। जब इन्होंने जाकर मालूम किया कि वहाँ माजरा क्या है तो पता चला कि खातून नामपल्ली में किसी डॉक्टर को बताने के लिए आई थी और वापसी में लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें कोई सवारी का इंतज़ाम ना हो सक रहा था, जिस पर वो परेशान हाल थी। एक अजनबी शख्स ने उन्हें लिफ्ट देने के लिए कहा, पेशकश की और वो उन्हें टोली चौकी पहुंचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेहदीपट्टनम चौरास्ते पर पुलिस ने उन्हें रोककर चेक किया कि बेवक्त जाने की वजह क्या है और पुलिस को कुछ शुबहात नज़र आए जिसके बिना पुलिस ने इन्हें रोक लिया। और इस हालात को देखते हुए दोनों काफ़ी परेशान और हैबत खाए हुए थे, लेकिन जब इन सहाफ़ियों ने जाकर दरियाफ्त किया और पुलिस से बात की, उसके बाद पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि इन्हें इनके मकान तक छोड़ने की इजाज़त दी जाए। उस पर मोहम्मद तजम्मुल अली ख़ान ने ये खातून को अपनी गाड़ी पर सवार कराते हुए टोली चौकी 7 गुंबदों के करीब इनके फ्लैट पर बहिफाजत इन्हें पहुंचाया और अजनबी शख्स को भी नामपल्ली में उनके मकान तक पहुँचाने में मदद की, जिस पर उन्होंने पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन्हें ताउन करते हुए इनकी दरख्वास्त को कबूल किया और इन्हें परेशान हाल अफराद को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की। आइए सुनते हैं इसी खातून की जबानी इसकी ये बात। मैं दवाखाना कृष्णा हॉस्पिटल जाके आ रही थी, मेरे को मेहदीपट्टनम पे तो पुलिस वाले रोक लिए, तो फिर मेरे को तजम्मुल साहब और इस्माइल साहब दोनों भी घर पे लाके छोड़े और प्रेस रिपोर्टर्स है वो दोनों मेरे को घर पे लाके छोड़े और मैं हमारे वॉचमैन से बात भी कर रही राजू से। कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। राजू साहब फर्स्ट फ्लोर रहते हैं? हाँ, राजू साहब जो है वो बच्चा जी लालपुर ये देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा अपार्टमेंट है, टोली चौकी पे है जहाँ पर जो है ये मोहतरम आपको पुलिस वाले लॉकडाउन के बाद रोक दिए थे। इनकी कोई और मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन लेके आ रहे थे लेकिन पुलिस वाले इनको जाने नहीं दिए, तो हम मैं और इस्माइल साहब जो है हम निकले थे कि क्या हालात है शहर के देखने के लिए। तो हमें जो है हम पुलिस वालों से बात करके जिम्मेदारी लेके अपनी जिम्मेदारी पर मैं और इस्माइल साहब इनको मकान तक ला के फ्लैट को छोड़े हैं। इनका वॉचमैन है, ये वॉचमैन के बेटे हैं, ये मैडम जो है टीचर हैं पेशे से और उनके हस्बैंड भी जो है पैरालाइज है, अकेले तना हॉस्पिटल को निकले थे जो रात के टाइम पे। तो इस तरीके से जो है हम छोड़े हैं और हम तमाम नाजरीन से अपील करते हैं कि इस तरह लॉकडाउन के बाद तनहा खवातीन ना निकले और ख़ास तौर पे जो है पुलिस वाले को मजबूर ना करें कि वो लोग उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है चेक करने की। तो किसी मर्दाने के साथ या कोई अपने साथ आईडेंटिटी कार्ड वगैरह फोन नंबर रख के निकलिए, ये परेशान खातून थे, हम इन्हें छोड़ के आए हैं। शुक्रिया, हम आपका दुआ कीजिए।